भैया रो राम राम। आप और देख रहे बुंदेली चुगली, हमें राजेंद्र त्रिवेदी। एक भैया, एक चोरी नहीं हो रही। सिविल लाइन को क्षेत्र इतना बदनाम है चोरी के मामले में। हालांकि एसपी सचिन शर्मा कार्रवाई बहुत तेजी से कर रहे। जितेंद्र वर्मा के राज में ज़्यादा चोरी होती थी, कार्रवाई न होती तो उन्हें हटा दो। अब नए TI आए हैं, लेकिन चोरियों को सिलसिला नहीं रोक रहा। उनकी वजह क्या है? उनकी सबसे बड़ी वजह है दारूखोरी, रंडीबाजी, जुआ। इकी पूर्ति के लाने ये चोरी करत, और जो पूरा क्षेत्र जो सरस्वती स्कूल के बगल में है भैया, अनगटोरिया का हाउस, अनगटोरिया के नीचे इनको मकान है, और सरस्वती स्कूल को जैसे ही रास्ता गौ है जो आगे मुश्किल कुशाली पे जुड़त है, तो जो पूरा क्षेत्र है मरई माता से लगा के इस तरफ पहाड़िया से लगा के, इनमें बहुत ऐसे असामाजिक तत्व तो हैं कि जिनके पास कोई काम नहीं है, सिर्फ जुआ, दारू, रंगीबाजी और रंगदारी करके पैसा मांगो। वही रंगदारी करके इनने इतने रुपया मांगे। जी आए भैया, इनकी दुकान पे आए। इनकी दुकान हमने आपका दिखवाई है दुकान। अब हम इनकी कहानी है नहीं कि जुबानी सुनवा भी, इनको दिखवा भी कि भैया काका सामान गौ है, चोरी भई इनकी। लड़कन ने धमकी भी दी, तलवार लेके आए, मारवे आए, कैसो कहा है, जो घटनाक्रम है भैया इनकी कहानी नहीं कि जुबानी सुनवा रहे हम। भैया कौन दिन की घटना है, का हो? जी सर, गुरुवार के दिन की घटना है। आपको नाम? हमारा नाम है मोहम्मद सिराज, वार्ड नंबर 15 अनगटोरिया पे रहता हूँ। छोटी सी आयशा किराना स्टोर के नाम से मैं दुकानदारी चलाता हूँ, अपने घर का पालन पोषण भरण करता हूँ। मेरे दो बच्चे हैं, जो एक 16 साल का और एक 17 साल का है, और मेरी एक बच्ची है जो 3.5 साल की है। ये घटना आज गुरुवार की घटना है, 7/4/2021 को। जब ये चार लड़के आए थे, जिनका नाम है अफजल खान, इन्होंने मेरी पत्नी ने बताया, अफजल खान, शाहरुख खान और सैजी खान, और एक लड़का का नाम उनको मालूम नहीं है, अरे महेंद्र अहरवार। तो महेंद्र अहरवार है जो, ये लोग सुबह 7:30 बजे मेरी पत्नी ने दुकान जब खोली, तो दुकान खोलने के बाद ये लोग आए, गुटखा लिया इन्होंने, सिगरेट ली, और डिस्पोजल के पाउच भी लिए, पानी के पाउच। बोले अब 500 रुपये दीजिए। तो इन्होंने मना किया कि मैं क्यों 500 रुपये दूँ। तो उन्होंने इनके साथ हाथापाई की और हमारी दुकान का सामान भी फैलाया, तोड़फोड़ की, जो कि हम आपको दिखाते हैं वीडियो द्वारा। दिखा दो भैया, जो दिखा दो सामान, बिथरू पड़ो है जो दुकान का सामान। ये भैया बुंदेली चुगली की लाइव प्रस्तुति है। हम एक एक कलाई खोलत, चाहे गुंडा अपराधी कोनो हो, तलवार डाली है यहाँ पर के, और हमने जान बचा कर भाग के अंदर को गए हैं, तो इनको जगाया है। सर, मुझे मेरे बच्चों का, मुझे अपना, मेरे पति का बहुत डर लगता है सर। मैं कहाँ जाऊँ, अपने ही घर में सुकून से नहीं रह पाती हूँ। सर मैंने अपनी पत्नी को सिविल लाइन थाना काका कह गए थे जी सर, जान संभालने की धमकी देते थे, और कह रहे थे नहीं पैसे दूंगी तो यहाँ रह नहीं पाओगी, और मैं तुम्हें गोली से मार दूंगा, जे तलवार तो काट काट कर गतरा गतरा कर फेंकूंगा, पैसे दो दारू पीने के लिए। अच्छा, उनको तो मैंने मना किया, अफजल खान, शाहरुख खान, और महेंद्र अहरवार, और सैजी खान जो है। भैया देखो, आरोपियन खबर जानते सर, इन्होंने उस दिन रिपोर्ट भी की थी, चंदा वसूली वाली रिपोर्ट भी हमारी सिविल लाइन थाने में हमारी मिसेज गई थी, तो रिपोर्ट भी लग गई थी। जब उसके बाद ये घर में घटना हुई है, उसके बाद भी हम लोग थाने रिपोर्ट लिखाने गए कि मेरे घर में चोरी हो गई और इन लड़कों ने तोड़फोड़ की है, जो TV भी टूटी रखी हुई है, गेट भी टूटे हुए हैं जो कि आपने देखा है, और अलमारी भी फैली बतरी रखी थी, जिसमें मेरी बच्ची के हाय चांद थे सोने के, मेरी बीवी के पायलें थी, और मेरी बीवी का हार था जो मेरे ससुर ने इनको दिया था शादी में, वो सारा गायब है। और जब हम लोग थाने से लौटे तो ये सारे लोग भाग गए, जब हम लोगों ने खदेड़ा तो ये लोग भाग गए। फिर मैं रिपोर्ट करने गया, हम लोग सारे रिपोर्ट करने गए, तो सिविल लाइन TI खुद हम लोगों को दबाने लगे, वहाँ का पूरा स्टाफ दबाने लगा, बोला बैठो। बैठने के बाद बोले नहीं, तुम लोगों का तो ये बर हमेशा का हाल है। सर ये बताइए, आज जब हम भी एक भारतीय जनता पार्टी में छोटे से, यानी कि बूथ प्रभारी हैं, हमने भी अपने सीनियर जो ललिता यादव जी हैं मंत्री जी, उनको भी हमने सिविल लाइन थाने से फ़ोन लगाया, तो अभी जब हम लोगों की नहीं सुनी जा रही, हम लोग सेपरेट नहीं हैं सर, तो बताइए आज आम नागरिक कैसे सेपरेट रहेंगे, उनके घर में क्या होगा, जब हम लोगों को सर जी सेफ्टी नहीं दी जा रही, यानी कि हम लोगों की सुनाई नहीं हो रही है। जब ये अराजकता, तब ये लोग, ये अपराधी को नहीं पकड़ते टाइम से,
तो ये अपराधियों का हौसला बुलंद कराते हैं कौन? इसका जिम्मेदार है पुलिस प्रशासन, इसकी जिम्मेदार है बीजेपी सरकार। जिस शिवराज सिंह चौहान जी जो वहां पर बैठे बैठे कहते हैं ना कि हम अपराधियों को मिटा देंगे, अलग कर देंगे, इनको भगा देंगे, तड़ीपार कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अगर चाहे तो 2 मिनट के अंदर अंदर यहाँ पर, यहाँ तो यहाँ ऐसे कईयों मोहल्ले हैं जहाँ ये अपराध हो रहे हैं, वो अपराध होने के बाद रिपोर्ट करने जाती हैं, महिला हो, बच्चे हो या हमारे जैसे और भी गरीब लोग हो, तो वो रिपोर्ट तो लिख लेते हैं, ताकि रिपोर्ट लिखने के बाद फिर कहते हैं इन्वेस्टिगेशन चल रही है, फिर कहते हैं कि आप ही का भर काम है क्या, हमारे पास 70-60 काम है। तो यानी कि ये इसलिए कहते हैं ताकि इन लोगों की जेबों में 10-10, 20-20 हज़ार की गड्डियाँ आ जाएं और अपराधियों को भगा दें और फिर नॉर्मल धारा लगा करके ये अपराधी मुक्त हो जाएं। अभी तक सर पे लोग पकड़े नहीं गए, बाकायदा घूम रहे मेरे दरवाजे के आसपास। मैं आती हूँ दरवाजे से देख के, दूर से लौट जाती हूँ, क्योंकि मैं अपने घर में अभी ना आ पा रही हूँ डर के पीछे, और ना बिल्कुल रह पा रही, ना कुछ सामान भी नहीं उठा पा रहे, खौफ के साथ जी रहे हैं। और दूसरे दिन भी हम सुबह 10 बजे से लेके, आप चाहे तो पुलिस प्रशासन से पूछ सकते हैं, सिविल लाइन थाने में बैठी रही सुबह 10 बजे से सर, 6 बज गया था। फिर सर ने कहा अभी वो बीट प्रभारी आए नहीं है, जब आ जाएंगे तो भेजाएंगे, तो फिर वहाँ से भेजा दिया था घर, कह रहे थे हाँ मुजरिम को पकड़ेंगे अभी तक, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। भैया जो है सिविल लाइन पुलिस के ऊपर बार बार जैसे कि सवाल उठ रहे हो, आखिर है का ही थाना में मचो का है जो कि आदमी का बैठा लो जा 10 बजे एक औरत की लाइन, बहुत बड़ा समय का। FIR देखना सर, इनके लिखने की FIR के ढंग देखो, ये FIR देखिए आप, ना ही इनमें अपराधियों के सही तरीके से नाम डाले गए, ना ही इसमें पूरे अपराधियों के नाम डाले गए, डांट करके इनको भगा दिया, ठीक है, और 2 नाम भर लिखे हैं, ना ही इसमें गवाहों के नाम लिखे गए, गवाहों को भी भगा दिया डांट करके। ये देखिए सर क्या मचा है सिविल लाइन थाने में, भैया देखिए, उन्होंने कहा हमने धारा तो लगा दी बड़ी, 294, 327, 323, 506, 334, बोले अब मैंने लगा दिया, अब क्या चाहते हो तुम, तुम्हें हम पुलिस प्रोटेक्शन दे दें क्या? ये कहकर उन्होंने हमारी पत्नी को, हम लोगों को भगा दिया। एक जन परसों आए थे सर, उन्हें नक्शा बनाया था, वे कह रहे थे अभी लॉकडाउन है, अभी कुछ नहीं होगा, फिर बाद में देखेंगे। सर मैं तो घर में रह ही नहीं पाऊंगी, ना आ पाऊंगी, तो मैं खाऊंगी क्या सर, मेरा तो छोटा सा धंधा है, न मेरा पति कुछ कर पाता, न मैं, मेरी किराने की छोटी दुकान है, उसी में गुजारा चलता था, मैं कैसे अपने बच्चों को कैसे पालूंगी सर, बताइए, आप ही बताइए मैं कैसे पालूंगी, कैसे घर चलाऊंगी। सवाल बहुत बड़ो, हम वो टीवी भी देखवा रहे भैया, जो नुकसान इनको भवे, देखो जो गुम्मा पथरा पड़े हैं, जो गुम्मा पड़े हैं भाई, देखो कैसे तोड़ रहे हैं, देखो अंदर आके भैया देखो इनको, जो सामान जो है, जहाँ से सामान चोरी भाव है जो है वो कमरा, जो इनको शीशा टूटो पड़ू, और जाहे टीवी, उन्होंने टीवी भी सब टूट तार के सब फेंक दिया, पूरी पड़ी थी कपड़े, सिपाही आया उसने बंद करवाई थी गोदरेज, मगर कोई जांच नहीं की। तो जो है भैया इल्जाम सीधे सीधे पुलिस के ऊपर है, पुलिस खाई में तत्काल से कार्रवाई करनी चाहिए, तत्काल ही में कार्रवाई भाव चाहिए कि ताकि आगे कोई ऐसी घटना ना घट जाए। हमारी चोरी की रिपोर्ट ही नहीं लिखी गई सर, हमारी रिपोर्ट सिर्फ सुबह की लिखी गई, जब ये चंदा दारू के लिए पैसे मांगने आए, मारा पीटी हुई, वो रिपोर्ट भर लिखी गई, उसके बाद जो घटना ये लड़के कर गए 7-8 लड़के, उसकी कोई रिपोर्ट नहीं हुई, ना जाँच हुई। जो है भैया इल्जाम सीधो सीधो सही इल्जाम है कि चोरी की रिपोर्ट नहीं लिखी, केवल जो मारपीट की जे है, जे बर्तन वर्तन जो इन्होंने भैया फोड़े हैं, यहाँ पत्थर मारे, सब बलन के निशान है, देखो इसमें तलवार घाली गई है, पूरा गेट टेढ़ा हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, और जे ऐसा लगा था, और ये ऐसा खुला था, 2 दिन तक ऐसा ही पड़ा रहा, डर की माने कोई नहीं आया, मैं 2 दिन तक वहीं थी सर थाने में, हाँ तलवार ले थे, फाशा वगैरह सब कुछ लिए थे। तो भैया जो है अब लाइव प्रस्तुति के माध्यम से हमने दिखवाओ है पुलिस किला ने विशेष तौर से, कि ऐसे समय में कोई ऐसी अप्रिय घटना ना हो जाए, जो परिवार दहशत में है, मोहल्ला में सर इसलिए कोई नहीं बोलता कि दारू गंजड़ी लड़के हैं, इसलिए डर के मारे कोई नहीं उनके सामने आता है सर, बताइए हम अपने ही घर में सेफ नहीं है सर, अब मैं क्या करूं, कहां लेके मैं छोटे छोटे बच्चे को जाऊं, क्या खाऊं, कहां रहूं मैं, बताइए आप। जो है भैया लाइव प्रस्तुति के माध्यम से हम प्रशासन तक जब बात पहुंचा रहे कि इन्हें न्याय दिलाया जाए, परिवार दहशत में है, और ऐसे जो जो मवाली टाइप के लड़का है, इन्हें पकड़ के सख्ती से इन्हें टूरू जाए, कार्रवाई करी जाए। बुंदेली चुगली की लाइव प्रस्तुति या भैया तो हम खत्म कर रहे, फिर कौन खबर लेके हम हाजिर हो भी आप लोगों के बीच में, तब तक के लाने भैया हरो सभी जन घामाई राम राम।